मामला भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलाव गांव का है। एक वृद्ध की पैतृक जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ गई। नरेंद्र चौधरी ने पूर्व में राजाराम शर्मा के पुत्रों पर हरिजन एक्ट की कार्रवाई की, उसी को लेकर वृद्ध को कोर्ट में बुलाकर कोरे कागजों पर साइन करवा कर जमीन हथियाने का काम किया। वृद्ध की उम्र 77 साल है। इस मामले में भिंड DSP हेडक्वार्टर अरविंद साहब के नेतृत्व में लगातार जाँच की गयी। जांच में दोषियों के खिलाफ देहात कोतवाली में FIR दर्ज की गई, जिससे भूमाफिया जबरन धोखाधड़ी कर हत्याने के प्रयास करने लगे, जिसके एवज में भूमाफियाओं ने मिलकर पीड़ित वृद्ध पर ST SC जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करवा कर दबाव डालने का प्रयास किया, जिसके उपरांत पीड़ित ने अपनी गुहार पुलिस अधीक्षक को लगाई। जानकारी के अनुसार पीड़ित फरियादी राजाराम पुत्र रामेश्वर दयाल शर्मा निवासी ग्राम बिलाव ने बताया कि उसकी बिलाव में पैतृक जमीन है और उस जमीन को लेने के लिए भूमाफिया किस्म के नरेंद्र प्रताप चौधरी विजय प्रताप चौधरी जबरन हत्याना चाह रहे हैं। पीड़ित ने आगे बताया कि नरेंद्र प्रताप चौधरी विजय प्रताप चौधरी सुधीर पुत्र भोलाराम गौरव पुत्र ब्रजेश पुत्र नाथूराम ने हमारे परिजनों के विरुद्ध जालसाजी व धोखाधड़ी कर हमारे दोनों पुत्र ब्रजेश विश्राम उर्फ राम लखन के विरुद्ध झूठा SC ST एक्ट का मुकदमा अपने साथी दीपक जाटव से सिटी कोतवाली भिंड में 2 अक्टूबर 2021 को पंजीबद्ध करा दिए, जिस पर नरेंद्र प्रताप चौधरी ने व इनके साथियों ने 25 अक्टूबर 2021 को राजीनामा का षड्यंत्र रचकर हस्ताक्षर करा लिए। तत्पश्चात आरोपित नरेंद्र प्रताप चौधरी के द्वारा हस्ताक्षर कराकर झूठा बिक्री अनुबंध पत्र बनाया गया और 19 लाख रुपए में बिक्री करना दर्शाया गया। पीड़ित की गुहार जब संबंधित थाना प्रभारियों ने नहीं सुनी तो उसने अपनी गुहार पुलिस अधीक्षक भिंड को शिकायत पत्र देकर सुनाई। अब देखना पुलिस पीड़ित वृद्ध की जमीन को लेकर क्या कार्रवाई करती है। साथ ही पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की मांग की है। बोले दादा, क्या घटना घटी आपके साथ? हमारे साथ नरेंद्र चौधरी ने झूठा तो बच्चे को हरिजन एक्ट लगाया। हरिजन एक्ट के बाद जमीन हड़पने के लिए है, जमीन हड़पने के लिए हरिजन एक्ट लगाया और फिर बाद में उसने हमें कोर्ट में बुलाया कि तुम्हारे बच्चे की राजीनामा होने के लिए शपथ पत्र बनाएंगे, शपथ पत्र बना देंगे तुम्हारे बच्चे का नाम हरिजन एक्ट से छूट जाएंगे। और फिर उसके बाद साइन कराए, उन्होंने कोर्ट में बैठा दिए ऑफिस में, ऑफिस में से बाहर ले गया, इधर उधर घूमता रहा खाली कमरे में, हमको ले गया, हमको आँख से दिखाई नहीं देता है, एक आँख बिल्कुल साफ है, दूसरी आँख से बिल्कुल कम दिखाई देता है। साइन करा लिए, हमने फाइल ऐसे बगल में दबा रहा और पन्ना पलट गया धीरे धीरे, हमको एक अक्षर पढ़ने को नहीं दिखाई दिया कि हम देख लें, और शांत करता चला गया। शांत करके फिर जाइए, अब हमने एक प्रश्न मांगी, हमको मिलेगी या नहीं कि नहीं मिलेगी। और आज फिर भी कल जब हमारी FIR कटी तब भी वो बच्चन को घेरने आया वो कि चलो तुमको जान से मारेंगे, तुम कहीं धमकी दे रहा है, बहुत जल्दी जल्दी धमकी दे रहा है। आपको जो साइन कराए हैं तो आपकी क्या खेती अनुबंध कर ली? हाँ, अनुबंध कर लिया 19 लाख रुपए का। इसको लेके संबंधित अधिकारियों को आपने आवेदन नहीं दिया? दिया दिया, पुलिस सेवा हमारी मदद करे बिल्कुल दिया। तो कल जाके FIR हुई? हाँ, कल FIR हुई। कल से क्या घटना घट रही है आपके साथ? कल तो ये लोग चक्कर काट रहे हैं, 4-5 आदमी बच्चों तुम्हारे कहाँ, तुमको जान से मार देंगे। हाँ, और क्या धमकी दी? अरे डेली धमकी दे रहा है, डेली जो है ना कि तुमको ये भिंड से निकाल दूंगा तो मैं रहन नहीं दूंगा, जान से मारूंगा। जिनने आपके साथ में चाल फरेबी का कार किया कौन है? जी ये नरेंद्र चौधरी। कौन है? जी भी है एडवोकेट वकील। हाँ, भिंड कोर्ट में ही बैठा था। आपका क्या नाम? राजा राम। कहाँ रहते हैं? बिलाव, जमीन भाई बिलाव के पास है, गांव के बाहर। कितनी जमीन थी? जमीन हमारी 4.5 बीघा। 4.5 बीघा? हाँ, जमीन। और उसकी जमीन पीछे है, वो सोच रहा है कि हमारी एक जमीन हम ही हम हो जाए, जो लोग हमें दे रहे हैं हमारी बिक्री नहीं, हम बेचे ही नहीं चाह रहे, जबरदस्ती छीन रहा है। संबंधित अधिकारियों ने कल जाके FIR किया? हाँ, कल FIR कटी भाई। क्या नाम है आपका? राजा राम शर्मा जी। राजाराम शर्मा नामक व्यक्ति का आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसकी तस्दीक कराई गई थी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। फिर इस पर से
इनके और इनके साथ अन्य टोटल 5 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। इसमें एक पूर्व में जो इसमें आवेदक हैं, इनके लड़कों के खिलाफ थाना कोतवाली में एक अपराध पंजीबद्ध था। उस अपराध में विवेचना के दौरान सहयोग के नाम पर इनके साथ धोखाधड़ी करने से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ था, उसकी तस्दीक करा करके कायम कराई गई है। कल अपराध पंजीबद्ध हुआ है, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।